सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम होती है, लॉस लगातार हो रहे हैं, प्रॉफिट होने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग में सस्टेन कर पाएंगे, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिगिनर्स एंड एमेच्योर ट्रेडर्स के लिए। टॉपिक का नाम रहेगा गाइस प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस। क्यों आपको प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या होता है, और अगर जो सीक्रेट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको नॉर्मल ट्रेडर से क्या एज देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा कि प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस हर प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, आपको भी करना चाहिए। बट दुख की बात यह है कि 95% लोगों को ये नहीं पता है कि प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या होता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ें मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या होता है और किस तरीके से आप कुछ बढ़िया स्किल, बहुत बढ़िया एज डेवलप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर बिगिनर ट्रेडर्स, जिससे कि आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा, लॉस कम होगा। वैसे आप मार्केट ओपन होने से पहले क्या देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद क्या देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जानना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 10,000 लाइक, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं और कमेंट करके आपको बताना ही है जो मैंने पूछा है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। तो देखिए गाइस, पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ प्री मार्केट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहले तो बात समझना पड़ेगा प्री मार्केट एनालिसिस क्या होता है। देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट में जो भी आप एनालिसिस करते हैं उसको प्री मार्केट एनालिसिस बोलते हैं। मार्केट ओपन होता है आपका 9:15 पे, उसके पहले जो भी आप एनालिसिस करेंगे उसको हम लोग प्री मार्केट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मार्केट एनालिसिस करने से फ़ायदा क्या होता है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है ये पता है, आपके पास अर्ली एक्सेस है ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की, जो कि नॉर्मल लोगों के पास नहीं है जो लोग मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड करते हैं। तो फ़ायदा हो गया और मैंने आपको बता दिया प्री मार्केट क्या होता है। प्री मार्केट करते कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये प्री मार्केट में क्या देखना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पॉइंट बताऊंगा 4 से 5, उसको बस फॉलो करो, आपका पूरा कोटा पूरा हो जाएगा, पूरी लाइफ टाइम इसको आपको फॉलो करना है। पहला चीज़ आपने देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट कैसे चेक करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल मार्केट जाएंगे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है प्री मार्केट। मार्केट ओपन होने से पहले 9:15 पे ओपन होता है मार्केट, 8 बजे 7 बजे 6 बजे आके आप देख लो, मैं सजेस्ट करूँगा 8:30 बजे आके आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने देखना है यूएस मार्केट कहाँ पे ओपन हुए हैं, सॉरी कहाँ पे क्लोज हुए हैं, यूरोपियन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुए हैं, एशियन मार्केट्स आपके कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं, तो आप मान के चलो कि आपका मार्केट क्या होगा, आज के दिन सिचुएशन है, चांसेस हैं कि आपका मार्केट पॉजिटिव साइड ट्रेंड कर सकता है। सेम सिचुएशन, अगर यूएस मार्केट डाउन है, यूरोपियन मार्केट्स डाउन है, एशियन मार्केट्स भी डाउन है, तो आप मान के चलिए कि आपका मार्केट क्या होगा, आपका मार्केट भी डाउन साइड का ट्रेड जाने वाला है, मतलब डाउन साइड का कंडीशन आपको बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोनों मिक्स है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट निगेटिव है, इधर एशियन मार्केट्स भी अपने में मिक्सअप हैं, तो मान के चलो कि आपको अपने मार्केट्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान देना पड़ेगा, मार्केट की रेंज पकड़नी पड़ेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से आप बढ़िया एनालिसिस कर सकते हो। तो ग्लोबल मार्केट आपको देखना होगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर सब पॉजिटिव हैं तो बुलिश मान के चलिए, सब निगेटिव हैं तो बेयरिश मान के चलिए, मैक्सिमम टाइम यही होता है, ठीक है। स्पेशली यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स एंड गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो मान के चलिए आपका मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको एनालिसिस करना होगा ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, एनएससी की ऑप्शन चेन पर जाना है और यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलनी है, बैंक निफ्टी की, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी आपका क्लोज हुआ है 19,900 के पास, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल आना है 19,900 के पास, ये रहा 19,900 का लेवल, यहाँ पे 200 पॉइंट ऊपर जाना है 19,700 तक और 200 पॉइंट नीचे आना है, मतलब ऊपर नीचे ऑप्शन चेन के हिसाब से 20,100 तक। अब इसमें क्या करना है आपको, बस ये आपने मार्क कर लिया 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, सेम चीज़ निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे। अब यहाँ पे आपको देखना है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रखी है, इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कहाँ हो रखी है। तो अगर आप देखेंगे तो 19,750 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है और 20,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। 19,800 पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग, 19,800 पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग और 20,000 के लेवल पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं सर, 19,800 और 20,000 के लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो कल का सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आपका 20,000, ठीक है,
और दूसरा रहेगा 19,800 जो कि आपका ये बना हुआ है जो कि डेफिनेटली सपोर्ट का काम किया है। ओके, अगर आप ऑप्शन चेन में आएंगे 19,000-20,000 के लेवल पे है, एक चीज़ आप देखेंगे तो 19,900 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है 19,900 पे। तो अगर आपको मैं 19,900 पे ले चलूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19,900 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग वहीं पे देखने को मिली है। तो अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करता है शॉर्ट कवरिंग में एक बढ़िया रैली 20,000 तक के लेवल को देखने को मिल सकती है। दूसरा चीज़, अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेता है कॉल राइटर्स के हिसाब से तो मार्केट यहाँ पे अगर बेयरिश मोमेंटम बनाता है तो फॉल कर सकता है, आप यहाँ यहाँ तक टारगेट ले सकते हो। अब ऑप्शन चेन के हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। दूसरा चीज़, मार्केट क्लोज हो चुका है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन से भी कंफर्म करने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन डेडली कॉम्बिनेशन, एक यहाँ पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आज का ही डेफिनेटली आज का रेजिस्टेंस का काम करेगा ही कल भी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर पता है जिससे कि आपको ओवरऑल मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब जैसे आपको पता चलेगा मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो आएगा ही, तो मैं स्विंग हाई ऐसे लेके यहाँ पे एंट्री लूँगा, यहाँ तक का टारगेट रखूँगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करके करता है स्विंग लो ऐसे के साथ मैं ऊपर का टारगेट रखूँगा, ठीक है, पार्सल बुकिंग भी कर सकता हूँ, तो ये सब आपको फ़ायदा होता है। अब देखिए इसको जब आप डेली मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ आप इसको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करने वाले हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब बात यहीं नहीं रुकती है गाइस, ठीक है, 5 मिनट के साथ साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको ये सब काम करना पड़ेगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से देखिए एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। इससे आपको ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का पता है, अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का नेचर पता है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप फोकस रहेंगे। लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पे मार्केट साइडवेज, इधर कहीं ट्रेड ले लेते हैं, लॉस होता है। हम लोगों ने आज ही यहाँ ट्रेड लिया था, इधर कहीं स्टॉप लॉस से देखिए कितना बढ़िया रैली देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप फोकस के साथ प्री मार्केट एनालिसिस करके आए हैं। हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन चेन, तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस। कितना, 5 दिन के अंदर वाले जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे आप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 8 से 10 दिन का आप टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाले, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो एक मैंने बहुत बढ़िया वीडियो डाली थी, उसको मैं डेफिनेटली लिंक में ऐड करूँगा, मार्केट ओपन होने से पहले कौन से होमवर्क करने से जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, प्रिपरेशन पूरी बताई है तो उससे आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो से डेफिनेटली रिलेटेड है। प्री मार्केट में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, उसका नाम रहेगा आपका ट्रेडिंग प्लान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोग हल्के में लेते हैं बट ट्रेडिंग प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान करके आए हैं, जैसे कि कहावत है अगर एक बेवकूफ़ भी इंसान है अगर प्लानिंग के साथ आता है तो एक स्मार्ट बंदे को बहुत बढ़िया तरीके से बीट कर सकता है। फिर से बोलता हूँ, अगर एक बंदा बहुत स्मार्ट है और एक बंदा एकदम बेवकूफ़ है बट स्मार्ट बंदे के पास प्लान नहीं है, और अगर बेवकूफ़ बंदे के पास प्लान है तो बेवकूफ़ बंदा एक अच्छे प्लान के साथ स्मार्ट बंदे को डिफीट कर देगा। तो सेम चीज़, आपने ट्रेडिंग प्लान बना के आना, ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान में आपका होता है कि आप कितने रुपीज़ का रिस्क लेने वाले हैं आज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने वाले हैं, कितना आपका प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है, ओवरऑल किस स्ट्रेटजी में आप ट्रेड करने वाले हैं, और आपका ओवरऑल एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया कहाँ पे, लेवल कहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 90% लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, ठीक है, बस वो लोग क्या करते हैं, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही ट्रेड बनता है हरी बनी तो बाइंग करते हैं, रेड बनी तो सेल करते हैं, वेरी बैड मैनर्स। ये आपने नहीं करना है, आपने क्या करना है, प्लान बनाना है, अपने कॉपी में लिखिए कि यार मैं 2 ट्रेड लूँगा 1-1,000 के, ठीक, जो भी आपका अमाउंट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स लूँगा मैं 2 या फिर 3, प्रॉफिट मेरा टारगेट होगा 2,000 का, मेरा अगर रिस्क है तो 2,500, 3,000, 4,000, एंट्री कहाँ लूँगा, अगर मार्केट में रेजिस्टेंस है तो, अगर मार्केट वहाँ पे आता है शूटिंग स्टार बनाएगा तो वहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, स्विंग हाई सेल रखूँगा, अकॉर्डिंगली टारगेट रखूँगा। जब आप ये सब प्लान करके आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग बहुत करते हैं, जैसे ही ट्रेड लेते हैं, जैसे ही मार्केट रैली करता है ट्रेड लेते हैं, लॉस होता है। बट आपके पास प्लान है, और प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आज ही के एग्जांपल में। लोगों ने यहाँ ट्रेड बनाया, ठीक है, कुछ लोगों ने लेकिन यहाँ ट्रेड बनाया, क्यों यहाँ पे बनाया पता है आपको, क्योंकि उनको पता था कि भैया मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे अलॉन्ग विथ आज का हाई।
ब्रेक किया, हमने भी ट्रेड लिया, स्विंग लो स्टॉप लॉस देखिए कितना बढ़िया धमाका प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये हो गया आपका तीसरा चौथा मेथड, सॉरी तीसरा मेथड कि आप ट्रेडिंग प्लान बना के हैं। ओके, नेक्स्ट और एक फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग प्लान में, और वो है न्यूज़ रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखो भाई, इसको ट्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। सुबह सुबह जब आप आएंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ, सुबह सुबह जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखता है, एक आर्टिकल आता है, टॉप 10 थिंग्स टू ट्रैक बिफोर मार्केट ओपन। मतलब आपको 10 उन चीज़ों को क्या ध्यान देना है जो मार्केट ओपन होने से पहले आपको ध्यान देनी चाहिए, जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। आर्टिकल आता है, आप उसको डेफिनेटली पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप इकोनॉमिक टाइम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ग्लोबल मार्केट सब चीज़ें बढ़िया तरीके से अपडेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, न्यूज़ रिलेटेड आइटम सर्च करने के लिए, ऐसा नहीं कि दिन भर पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल दिन भर देख रहे हैं, नहीं देखना है, बस आपने सुबह आना है, एक बार देख लो कि ओवरऑल ओवरनाइट में क्या सेंटिमेंट देखने को मिला है, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मेन चीज़ है आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, पोजीशन साइजिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अब बात आती है गाइज, व्हाट इज़ पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझना जरूरी है। देखिए गाइज, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ अपने क्लास में भी और सबको बताता हूँ कि भाई मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट तो किया ही, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिना पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अगले दिन ट्रेड कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ, महीने में एक बार हो गया, वो बात दूसरी है, विदाउट पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता हूँ। पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद जो भी आप एनालिसिस करते हैं उसको पोस्ट मार्केट बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जो भी आपने ट्रेड लिया उसको देखना, ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर मार्केट में जिसको मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा, कैटलिस्ट बना और मार्केट बढ़िया रैली किया, क्यों किया, ठीक है, कोई ट्रेड आपसे छूटा क्या उसको देखना, ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे काम करना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है पोस्ट मार्केट में, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो पहला पोस्ट मार्केट में क्या हो गया, जर्नल मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट जर्नल मेंटेनेंस यू कैन नॉट थिंक ऑफ ट्रेडिंग इन अ लॉन्ग टर्म। कैसे मेंटेन करेंगे, ट्रेड कहाँ लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस किया कितना हुआ, ब्रोकरेज कितनी आई, इसको आप जर्नल मेंटेन करेंगे पोस्ट मार्केट में। दूसरा, जो आपने ट्रेड लिया उसके चार्ट पे जाके एक बार बैकटेस्ट कीजिए, देखिए, मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, हमने मान लीजिए ट्रेड यहाँ लिया, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ, तो मैं आके शाम को देखूंगा, हाँ भाई हीट ऑफ द मोमेंट में पता नहीं चलता, सुबह पता चला मैं ट्रेड यहाँ ले रहा हूँ, ट्रेड जबकि यहाँ बनता था, तो मैं शाम को आके बैठूंगा तो देखूंगा, हाँ यार मेरा ट्रेड यहाँ बना, ट्रेड यहाँ लेना चाहिए था, मैंने एक मिस्टेक करी है। प्रॉब्लम क्या है, आप कभी भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते नहीं है, और इसीलिए क्या होता है कि आपको ये नहीं पता है कि वीकनेस क्या है, चार दिन पहले आपने क्या गलती करी थी, दो दिन पहले आपने क्या अच्छा किया था। तो चैनल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने चार्ट्स का एनालिसिस करना है, जो भी ट्रेड लिया उसको एक बार फील कीजिए, देखिए कि हाँ एंट्री यहाँ ली थी सही था क्या, स्टॉप लॉस सही था क्या, फोमो में तो ट्रेड नहीं लिया, लॉस रिकवरी के लिए तो ट्रेड नहीं लिया, दूसरे को देख कर तो ट्रेड नहीं लिया, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ आप और ट्रैक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, ये सब देखो करना पड़ेगा, बस बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई ट्रेड छूटा है, मैं भी लाइव मार्केट में हीट ऑफ द मोमेंट में छूट गया, बट शाम को जाके देखिए कि ट्रेड क्यों छूटा, मैं फोकस नहीं था, या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड था, या फिर कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर मैं कहीं और बिजी था, ठीक, उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मुझे यहाँ पे इस टाइम फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा होता है। कभी कभी हम लोग अच्छे ट्रेड छोड़ देते हैं कमज़ोर ट्रेड्स के चक्कर में या फिर दूसरों के चक्कर में, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ये लोगों के साथ दिक्कत होती है, यहाँ पे ट्रेड बना, ट्रेड चला गया, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरा ट्रेड छूट गया, यहाँ दौड़ा के ट्रेड लिया है, उनका लॉस हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट करके बताइए आप क्या एनालिसिस करते हैं, अगर कोई सुझाव है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए फ्री में स्ट्रैटजी बंडल का, तो आप अकाउंट ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फंड ऐड करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, जय हिंद।